आरक्षण के मुद्दे को और ढाल देने का काम करेगी कांग्रेस। अगस्त से शुरू होगा उनका आंदोलन। भर्तियों के लिए जुटाए जा रहे हैं सबूत। संबंधित संस्थानों के आसपास प्रदर्शन करेगी पार्टी। प्रदर्शन करते हुए राज्यपाल और राष्ट्रपति को पत्र भी भेजेगी। पिछड़ा वर्ग विभाग को जिम्मेदारी सौंपी गई है, तो संबंधित संस्थानों के आसपास प्रदर्शन करेगी पार्टी। प्रदर्शन कर राज्यपाल और राष्ट्रपति को पत्र भी भेजा जाएगा। साथ ही पिछड़ा वर्ग विभाग को इसकी जिम्मेदारी दी गई है। तो लखनऊ से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां आरक्षण के मुद्दे को कांग्रेस और ज्यादा धार देने का काम करेगी। अगस्त से उनका ये आंदोलन शुरू होगा। भर्तियों को लेकर सबूत भी जुटाए जा रहे हैं पार्टी द्वारा। संबंधित संस्थानों के आसपास प्रदर्शन करेगी पार्टियां। वहीं प्रदर्शन कर राज्यपाल और राष्ट्रपति को पत्र भी भेजे जाएंगे। तो पिछड़ा वर्ग विभाग को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है। बड़ी खबर के साथ लगातार बने हुए हैं। आरक्षण के मुद्दे को और धार देने जा रही है कांग्रेस, जिसको लेकर अगस्त से आंदोलन शुरू करेगी कांग्रेस। वहीं आपको बता दें कि भर्तियों के लिए अभी से सबूत भी जुटाए जा रहे हैं। उन सबूतों को हाथ में लेकर प्रदर्शन करेगी कांग्रेस और संबंधित संस्थानों के आसपास के क्षेत्रों में कांग्रेस का प्रदर्शन देखने को मिलेगा। पिछड़ा वर्ग विभाग को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो लखनऊ से ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। और इसी बड़ी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे प्रमुख संवाददाता लालचंद जुड़ चुके हैं। तो लालचंद, आरक्षण के मुद्दे को और भी ज्यादा कांग्रेस धार देने का काम करेगी और आगामी समय में उनका बड़े स्तर पर प्रदर्शन भी देखने को मिल सकता है। पूरी खबर को लेकर क्या कुछ अन्य जानकारी आपके पास? बिल्कुल मनीषा, अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कहीं ना कहीं चुनाव के बाद से ही कांग्रेस कहीं ना कहीं जो नतीजे है आए हैं उसके बाद से कहीं ना कहीं ये देखने को मिला है कि कांग्रेस अपने कार्यकर्ताओं में, नेताओं में जोश भरने का काम कर रही है। यही वजह है कि जिस तरीके से चुनाव में आरक्षण और संविधान का मुद्दा कांग्रेस लेके आगे बढ़ी, उसको और तेज धार देने के लिए यहाँ पर कांग्रेस जो है दिखाई दे रही है। जिस तरीके से उपचुनाव होना है उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर, उसको लेकर भी कहीं कांग्रेस तैयारी करती हुई दिखाई दे रही है। इसके साथ ही 2027 में विधानसभा चुनाव होना है, उसको लेकर भी कांग्रेस कहीं ना कहीं अभी से तैयारी करती हुई दिखाई दे रही है। जिस तरीके से बीजेपी ने भी 27 के चुनाव को लेकर तैयारी करनी शुरू कर दी है, जनता के बीच बीजेपी जाती हुई दिखाई देगी। ऐसे में कहीं ना कहीं जो आरक्षण का मुद्दा है उसको धार देने के लिए कांग्रेस जो है जगह जगह पर प्रदर्शन करती हुई दिखाई देगी, राष्ट्रपति और राज्यपाल को ज्ञापन भी देगी। और जिस तरीके से भर्तियों का मामला है, चाहे वो आउटसोर्सिंग का मामला हो, चाहे संविदा कर्मी का मामला हो, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं कांग्रेस यहाँ पर विरोध प्रदर्शन करती हुई दिखाई देगी और मांग करेगी कि इस तरीके का जो है कहा जाए नौकरी है उसको कहीं ना कहीं खत्म किया जाए और डायरेक्ट जो है भर्ती प्रक्रिया लागू की जाए। इसको लेकर कहीं ना कहीं कांग्रेस विरोध प्रदर्शन करती दिखाई देगी। यानी का सीधा मकसद है कांग्रेस का कि जिस तरीके से उपचुनाव होना है, 2027 का विधानसभा चुनाव होना है, उसको लेकर अभी से तैयारी करते हुए दिखाई दे रहे, क्योंकि इंडिया गठबंधन के साथ कहीं ना कहीं कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश के अंदर 6 सीटें जीती हैं और इसी को लेकर अब कांग्रेस की जिस तरीके से जमीन खोई हुई थी उसको वापस पाने के लिए कहीं ना कहीं पूरी तरीके से यहां पर तैयारी करती हुई दिखाई दे रही है मनीषा। और यही वजह है कि कांग्रेस चाहे आरक्षण का मुद्दा हो, चाहे संविधान का मुद्दा हो, चाहे आउटसोर्सिंग नौकरी का हो, चाहे संविदा कर्मी नौकरी का हो, चाहे पेपर लीक का मामला हो, इसको लेकर लगातार जो है आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है और विरोध प्रदर्शन भी कई बार वो कर चुकी है। जी बिल्कुल लालचंद, इस बात को लेकर भी जानकारी मिल रही है कि भर्तियों के लिए अब सबूत जुटाए जा रहे हैं। किस तरह के सबूत जुटाने का प्रयास कर रही है कांग्रेस, जिनके आधार पर ये विरोध प्रदर्शन देखने को मिलने वाले हैं? देखिए, जिस तरीके से आरओ में जो है परीक्षा लीक हुई, इसके बाद उसको निरस्त किया गया, इसके साथ ही आप देखिए नीट परीक्षा लीक हुई, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं कांग्रेस ने हमला बोलती हुई दिखाई दी। और यही वजह है कि परीक्षाओं में कहां कहां पर गड़बड़ी हुई है, किस तरीके से गड़बड़ी हुई है और कौन कौन इसमें शामिल हुआ है और परीक्षा कहाँ से लीक हुई है, और जो कई बच्चों ने तो आरोप भी लगाए कि उनका पेपर पूरी तरीके से गलत कर दिया गया, जो हमारा रिजल्ट था वो नहीं आया, तो इन तमाम मुद्दों को लेकर कहीं ना कहीं
सबूत जुटाने की कांग्रेस बात कर रही है, यानी कि यह माना जाए जिस तरीके से बच्चे परेशान है परीक्षाओं में लेकर, और कई ऐसी भर्तियां हुई हैं जो निरस्त हुई हैं, पेपर लीक हो गया है, और चाहे पुलिस की भर्ती रही हो, आपने देखा होगा कि एक बड़ी भर्ती परीक्षा कराई गई थी लेकिन पेपर लीक हो गया, उसकी वजह से भर्ती को रद्द करना पड़ा। इन तमाम चीजों को लेकर कहीं ना कहीं युवाओं को साधने के लिए यह कहा जा सकता है कि कांग्रेस लगातार तैयारी करती हुई दिखाई दे रही है, चाहे पेपर लीक का मामला हो, चाहे भर्ती प्रक्रिया का मामला हो, और चाहे आरक्षण का मुद्दा हो, संविधान का मुद्दा हो, और चाहे बेरोजगारी का मुद्दा हो, युवाओं के साथ जो कहा जा सकता है कि जो पेपर लीक हो गया उसको लेकर कहीं ना कहीं मुद्दा बनाती हुई कांग्रेस यहाँ पर दिखाई दे रही है, और उन्हीं मुद्दों को लेकर अब कांग्रेस विरोध प्रदर्शन भी करेगी अगस्त में, और ये अगस्त से शुरुआत इसकी करने जा रही है। और जो प्रदेश अध्यक्ष अजय राय, वो अभी से ही देखने को मिला है कि कई जिलों का दौरा भी कर रहे हैं, तमाम लोगों से मुलाकात भी कर रहे हैं, पीड़ितों से भी मुलाकात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यही वजह है कि अब कांग्रेस की जिस तरीके से 6 सीटें उत्तर प्रदेश में आई हैं सांसद की इंडिया गठबंधन के साथ, उसको लेकर कहीं ना कहीं अब अपने कार्यकर्ताओं में नेताओं में जोश भरने का काम करें, उसी को लेकर आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि हो सकता है कि उपचुनाव में भी सीटें मांगे कांग्रेस की समाजवादी पार्टी, क्योंकि इंडिया गठबंधन है, हो सकता है कि जो है साथ में चुनाव लड़े, क्योंकि 10 सीटों पर चुनाव होना है, और इसको लेकर भी कहीं ना कहीं कांग्रेस तैयारी करती हुई अभी से दिखाई दे रही है, और समाजवादी पार्टी भी कहीं ना कहीं जो है तैयारी करती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन अखिलेश यादव का ये भी कहना है कि वो उत्तर प्रदेश में जो 10 विधानसभा सीटें हैं वो अकेले चुनाव लड़ते हुए दिखाई देंगे, हमारा गठबंधन जो है वो लोकसभा चुनाव में हुआ था, लेकिन कांग्रेस का भी कहना है कि 10 सीटों में से कुछ ऐसी सीटें होंगी जो जिस पर वो चुनाव लड़ेगी। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि सीटों को लेकर जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में जो है बयानबाजी हुई थी, ऐसे में कहीं ना कहीं विधानसभा का जो उपचुनाव उसमें किस तरीके से बंटवारा होगा ये देखने वाली बात होगी। हाँ, लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि आने वाले चुनाव को लेकर चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, अभी से तैयारी करती हुई दिखाई दे रही है, और बसपा भी पीछे नहीं है। जिस तरीके से बसपा कभी जो है उपचुनाव नहीं लड़ती थी, लेकिन जिस तरीके से बसपा का पूरी तरीके से खराब प्रदर्शन रहा और 0 पर सिमट के रह गई है, ऐसे में बसपा भी उपचुनाव लड़ने की पूरी तैयारी करती हुई दिखाई दे रही है। जी ठीक है, लालचंद, हमने लोकसभा इलेक्शन के दौरान भी देखा था कि संविधान और आरक्षण का जो मुद्दा है उसका कहीं ना कहीं खामियाजा बीजेपी को भुगतना जरूर पड़ा, और इसी मुद्दे को अब बहुत ज्यादा भुनाने की तर्ज पर आगे बढ़ रही है कांग्रेस, और उनको भी समझ में आ रहा है कि अगर वो इसी मुद्दे को आगे धार देकर बढ़ती है तो कहीं ना कहीं आगामी विधानसभा चुनाव में भी इसका सकारात्मक परिणाम कांग्रेस को देखने को मिल सकता है। लेकिन बीजेपी की तैयारियों को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि देखिए लगातार हमने उपचुनाव में भी देखा है कि बीजेपी के लिए कुछ संतोषजनक सकारात्मक परिणाम आ नहीं रहे, तो क्या बीजेपी के पास अब इन तैयारियों का कोई काट है? देखिए मनीषा, जिस तरीके से भले ही कांग्रेस संविधान को लेकर आगे बढ़ रही हो, आरक्षण को लेकर आगे बढ़ रही हो, पेपर लीक के मामले को लेकर आगे बढ़ रही हो, अग्निवीर को लेकर आगे बढ़ रही हो, कहीं ना कहीं उसका फायदा जो लोकसभा चुनाव संपन्न हुआ उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस को मिला है, और शायद यही वजह है कि कांग्रेस उन मुद्दों को अब छोड़ना नहीं चाहती है, उसको लेकर आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी की सीटें कम हुई हैं, लेकिन तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शपथ ली है और प्रधानमंत्री बने हैं, और इसी की तर्ज पर देखने को मिला है कि बीजेपी अब किसी भी प्रकार से कोई कमी नहीं छोड़ना चाहती है, चाहे वो केंद्र सरकार की योजनाएं हो, चाहे राज्य सरकार की योजना हो। जिस तरीके से कल बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की पहली बैठक हुई है लोकसभा चुनाव के बाद, ऐसे में तमाम एजेंडा तय किया गया है और राजनीतिक प्रस्ताव भी पास किए गए हैं। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ कहा, या जेपी नड्डा जी ने कहा, या प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने भी कहा कि कहीं ना कहीं जो कांग्रेस है वो भस्मासुर है कहीं ना कहीं, और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हिंदू विरोधी हैं राहुल गांधी, और इन मुद्दों को लेकर वो आगे बढ़ेंगे और संविधान के बारे में बताएंगे। और जिस तरीके से उन्होंने नौकरियां दी है, 10 साल में 10 लाख नौकरियां बीजेपी ने जो है केंद्र में दी है, और उसी तरीके से राज्य में जिस तरीके से योगी जी की 7 साल पूरे हुए हैं और 7 साल में 7 लाख नौकरियां दी है, उनको लेकर आगे बढ़ेंगे। और जो विपक्ष तमाम मुद्दों को भुनाने की कोशिश कर रहा है, और जिस तरीके से बीजेपी ने साफ कहा कि सिर्फ गुमराह करने की जो है विपक्ष के द्वारा जो रणनीति तैयार, ठीक है लालचंद, बिल्कुल बने रहिए आप हमारे साथ।